अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अज़रबैजान का वेदर आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन ठंडा हो रहा है, सर्दी आ रही है अज़रबैजान में, और पाकिस्तानियों के फ्रॉड की वजह से इधर का मौसम बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। फ्रॉड बहुत ऊपर तक जा चुका है, नौसरबाजी इधर जो हो रही है पाकिस्तानी लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ जो TRC बना रहे हैं, बंदे उनसे पैसे लेके गायब हो जाते हैं। जाली TRC का बहुत सीन बन गया इधर, आपसे पैसे लेके आपको जाली TRC बना के दे देते हैं। जब आप की TRC बन के आ जाए तो आप उसको ज़रूर इमिग्रेशन में जा के चेक करवाएं कि आपकी TRC असली है या नकली है। तो एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लें तो आप उसको घर बैठ के भी चेक कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपकी TRC ऑनलाइन हो जाती है। उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है, पासपोर्ट नंबर होता है, तो ये सारा 3-4 ऑप्शन होते हैं। बहुत इजी आप उस फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन 1 से 2 मिनट में आपको चेक कर सकते हैं कि आपकी TRC ऑनलाइन हो गई है, कब अप्रूव होगी, कब आपको TRC मिलेगी। तो भाई जब आप TRC बनाते हैं ना, या आप जिस बंदे से TRC बना रहे हैं, तो आप उसका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह ले लें, उसका ID कार्ड ले लें, उसका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपके पास उसका डाटा होना चाहिए। उस बंदे का घर किधर है, किधर रह रहा है, या कोई उसके बारे में रिसर्च कर लें आसपास। इतने पाकिस्तानी या किसी से पूछने के भाई यार मैं इस बंदे के थ्रू TRC बनवा रहा हूँ, ये बंदा कौन है, उसकी TRC है भी है कि नहीं, चाहे वो इधर विज़िट करने आया हो। पाकिस्तानियों को आपको पता है कि बहुत ही रंगबाज हैं, इतने मीठे होते हैं कि मिनट में आपको लूट के चले जाते हैं। तो भाई ऐसे फ्रॉडियों से बचें, अगले बंदे की TRC की पिक लें जिससे आपने काम करवाना, उसको बोलने के भाई मुझे आप अपना डाटा दें, पासपोर्ट की पिक दें, अपने TRC चेक करवाएं कि हाँ आपकी TRC है, कौन सी TRC है, बिजनेस है, स्टूडेंट है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कब से है, ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। यार आप अगले बंदे को इतने पैसे दे रहे हैं, जो बंदा आपको ये डाटा नहीं ना देगा वो समझे कि वह नौसरबाज है, उसके पीछे का कोई पता करें, उससे ID कार्ड चेक करें, मतलब कि सारी मालूमात दे के यार आप उससे फिर आप उससे काम करवाएं। आप 5-5, 6-6 लाख रुपए अगले के बंदे के हाथ पे रख देते हैं, यार खुद बंदे को सोचना चाहिए कि यार मैं अगले बंदे को इतने पैसे दे रहा हूँ, इसको जानता भी हूँ कि नहीं, ये कौन है, इधर आपके आपकी मुलाकात होती है, वो बोल ड्राइवर है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पहले सोचनी चाहिए। जब फ्रॉड हो जाता है, आप इधर समंदर के किनारे बैठ कर रो रहे होते हैं या निज़ामी स्ट्रीट में, तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं है रोने का। भाई पहले आप सोचें समझें, 2-4 दिन में आप बाकू में घूमें फिरें, वीज़े का महीने का टाइम होता है, 3 से 4 दिन में TRC आपकी ऑनलाइन हो जाती है, वो कोई मसला नहीं है। दूसरा जो आज कल इधर काम चल रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आएँ, PIA की डायरेक्ट फ्लाइट पे आपने नहीं आना, क्योंकि आजकल पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से सर्च कर रहे हैं, उसमें देखें फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना। प्रॉपर तरीके से आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का लेटर लें इधर से, वो भी आजकल फेक लेटर चल रहे हैं, फेक लेटर आपने किसी से नहीं लेना, आपने पहले देखना है कि ये फेक लेटर की वजह से पिछले हफ्ते इस्लामाबाद से लड़के आए थे, उनको इधर से वापस भेज दिया गया है, तो फेक लेटर भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के। एक तो आपने मैट्रिक की सनद जो है वो IBCC और फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के लेके आनी है। दूसरा आपके पास जिस यूनिवर्सिटी की आपने TRC बनानी है, जिसमें आपने एडमिशन लेना है, उसका आपके पास ऑफ़र लेटर हो, क्योंकि
आपके आजकल बहुत सख्ती होगी। शो मनी हो आपके पास, प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ आएँ, कॉन्फिडेंस पैदा करें। अगर आपसे कोई पूछता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें कि भाई मैं इधर पढ़ने आया हूँ। आपने क्या पढ़ने आना है ये सारा आपने तैयारी करनी है। आपसे को पूछे कि भाई आप इधर क्या कौन सा कोर्स करने आ रहे हैं, किस तरह का कोर्स है, कितनी देर का कोर्स है, ये सब सवालों के तीन चार सवाल हैं भाई। वो मैं आपको अगली वीडियो में, मतलब सारा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं आपको सारी तैयारी करवा दूँगा कि आपने किस तरह क्या क्या बताना है। ये दो तीन सवाल तो मैंने आपको बता दिए हैं कि ऑफर लेटर हो, मेट्रिक सनत हो, डायरेक्ट फ्लाइट पे नहीं आना, थोड़ा स्टे करके आ जाएं, फ्रॉड से बचें। तो क्योंकि इन जो फ्रॉड कर रहे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उनके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको और भी इससे अच्छी मालूमात दूँगा।